चाहिए। और अलहम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि ये ऐसे मौक़ों के ऊपर कम्युनिटी को पूरा जमा करके सेलिब्रेट करने की कभी वो पीछे नहीं जाते। एंड मैं इनसे मुबारकबाद दें पाकिस्तान को और सारे ऑर्गेनाइजर्स को, सारे स्पॉन्सर्स को, ऐसे मौके के ऊपर टुगेदर करके नज़र रखें। एक मैसेज पहुँचाते हैं कि ईद की सेलिब्रेशन के अंदर बेसिकली सेलिब्रेशन किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, बेसिकली सेलिब्रेशन बाय एवरी मेम्बर इन द सोसाइटी। और ये जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट को कंटिन्यू करना चाहिए। और रेगुलर मैं देखते आ रहा हूँ कि एहसान जो है वो स्पिरिट के अंदर बहुत ही डीपली इन्वॉल्व है। मेरी सारी दुआएँ, मेरी बेस्ट विशेस एहसान के साथ में हर वक्त रही है और आगे भी रही। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उमरा पे था, मैं उमरा पे था, कम से कम 10-15 दिन इस पर इस बार शहरी में भी इंशाल्लाह बकरी ईद साथ में बनाएंगे। एहसान भाई तो इनकी पार्टी तो हमेशा मतलब पूरे मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। और हमारे काफ़ी प्यारे भाई है, बड़े भाई है। और सबसे तो पहला मेरी तरफ से सबको ईद की शुभकामनाएँ। और एहसान भाई को ऐसे ही पार्टी देते रहे और हम आते रहे, प्यार बढ़ते रहे, एक दूसरे का गेट टुगेदर होते रहे। ईद मुबारक हो सबको। खुद का पैसा खर्चा करके वहाँ जाके 5 दिन रुक के उनकी हेल्प कर रहे थे, तो मालूम पड़ा दोनों भाई मिल गए, हम लोग को वापस आना पड़ा। सो इज अ वेरी गुड गाय, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं माशाल्लाह। वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम उनको करते रहना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट भाई, यही तो आखिरत है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। ईद मुबारक टू एवरीबॉडी एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, लव यू मैन, बाय। तो पहले एक मैटर सामने आया था अलीगढ़ में, 2.5 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर, क्या रिएक्शन? यार इस पर कोई रिएक्शन ही नहीं होना चाहिए, इस पर सिर्फ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि ट्विंकल शर्मा, आसिफा, निर्भया ये सब हमारी बहनें हैं और हथियारों का कोई धर्म नहीं होता। इसको धर्म से ना जोड़ा जाए कि इसको टीके से और टोपी से ना जोड़ा जाए, इसको हिंदू मुसलमान से ना जोड़ा जाए। इसमें फास्ट ट्रैक में तुरंत एक्शन लिया जाए और हथियारों को फांसी होनी चाहिए इसमें, नहीं तो ये करते रहेंगे और इस तरह से हमारी बहू बेटियां, हमारी बहनें अनसेफ रहेगी हिंदुस्तान में। तो हमारी नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप इन लोगों को फांसी दीजिए ताकि ये लोग आगे जाके डरे, वरना इस तरह से निर्भया, फिर आसिफा, फिर कोई फिर ट्विंकल, ये होता ही रहेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे इसी मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम कराने की भी कोशिश की जा रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार मैं आप लोगों से ये मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदू मुसलमान से उठकर आप इंसान बन जाइए। क्योंकि अगर अल्लाह ना करे आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी बच्ची के साथ ये होगा, आपका घर जलेगा, तो आपको पता चलेगा। तो ये सबसे उठ जाइए भाई, हिंदुस्तान में अब और बहुत सारे मसले हैं हिंदू मुसलमान से ज़्यादा बड़े बड़े, रोजी रोज़गार के, नौकरी के, ये रेप के, ये सब मुद्दे बहुत बड़े हैं। हम यही डिमांड करते हैं कि वो किसी भी धर्म के हो, उन्हें फांसी नहीं। आपका टेक क्या होगा? मैं भी इस बात से सहमत हूँ और जज भाई ने जो आवाज़ उठाई और इसमें जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि मास्टर को सजा मिलनी चाहिए। और हम इस बात के आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी जी को समझना चाहिए और इसमें जल्द से फैसला से कोर्ट को और उनको फांसी जल्द से जल्द लेनी चाहिए। अच्छा, फांसी की सज़ा भी अगर दे दी जाती है तो फांसी देने में सालों लग जाते हैं, आपको लगता है कि इस पर भी कोई, इसीलिए फैसला जल्द से होगा क्योंकि फांसी होगी और ऐसे दरिंदे
ये भाग जाएंगे, ऐसा काम गलत करेंगे। थैंक यू। हाय हाय। आरक्षण जो दिया है वो अच्छा है और 2 लाख लोगों को हज पे भेजा जाता है, थोड़ा सा कम है लेकिन शुरुआत तो है, शुरुआत है और इसके लिए मैं मोदी जी को थैंक यू कहूंगा। इसके अलावा भारत फिल्म रिलीज हुई है, क्या कहना चाहिए? यार मैं उमरा को गया था तो मैं फिल्म नहीं देख पाया, तो मैं आया हूँ लेकिन ओपनिंग इतनी अच्छी लगी है, फिल्म चल रही है यानी कि लोगों को पसंद आ रही है, तो अगर इतनी अच्छी ओपनिंग लगी है तो फिल्म में कुछ ना कुछ बात होगी और जो मैं देखूंगा मुझे कैसी लगेगी वो मैं कल देखने वाला हूं और देख के बताऊंगा कि कैसी है। प्रोमो तो मुझे अच्छा लगा और यार बोलते हैं जिस पे अल्लाह का सर पे हाथ होता है उस आदमी को तुम क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। उनकी फिल्म देखो, सलमान भाई के इतने चाहने वाले इतने फैन हैं कि उनकी फिल्म सिर्फ वो सलमान खान को देखने जाते हैं, वो पिक्चर देखने नहीं जाते हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सलमान खान की इस मूवी से? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से? कितना स्टार देंगे आप? यार मैंने देखा नहीं तो मैं कैसे स्टार दे दूँ, पर मैं सलमान खान को 5 स्टार देता हूँ। पिक्चर का मुझे नहीं मालूम, कभी कभी क्या होता है पिक्चरें नहीं चलती आदमी चलता रहता है और ये वो आदमी है जिसको ऊपर वाले ने दुआएं दी है, लोगों का काम चलता रहे क्योंकि ये आदमी चलता रहे। शिवसेना जो है वो अयोध्या के लिए निकल रही है, क्या कहना चाहिए? क्या करेंगे अयोध्या जाके, मतलब पूजा उजा करेंगे? साल में एक बार जाके पूजा करेंगे कोई मतलब नहीं। आप वहाँ पे ना बाबरी मस्जिद बनाइए ना वहाँ राम मंदिर बनाइए, इस मुद्दे पे जो राजनीति है उसको खत्म करिए, क्योंकि ना कोई वहाँ नमाज पढ़ रहा है ना कोई पूजा कर रहा है। वहाँ पे एक अस्पताल बना दीजिए और एक स्कूल बना दीजिए जो ज़रूरतमंद गरीब बच्चे हैं उनका इलाज हो फ्री में और वहाँ पे लोगों की पढ़ाई हो, तो शायद राम और बाबर दोनों खुश हो जाएं। इसके अलावा जो मामले ऊपर चल रहे हैं उसके लिए आपने उनके साथ में स्टैंड लिया? यार देखो वो एक औरत है और उनको ज़रूरत है कि कोई उनके लिए आवाज़ उठाए, भले उन्होंने मुझे बहुत गालियाँ दी हो लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ कि कोई मुझे गाली दे मैं उसे गाली दूँ। ज़रूरत उनको है और मैंने आवाज़ उठाई कि उनके साथ सही होना चाहिए और होना चाहिए। थैंक यू। मालूम है कि जू तारा रोड बंद है, तभी लोग आ रहे हैं तो उससे पता चलता है कि एहसान विहार के लिए कितना प्यार है सबको, एहसान विहार के लोग कितना मानते हैं कि आज उनके ईद के लोग सब लोग शामिल हो रहे हैं। मैं सबको ईद की दुआएं देना चाहूँगी, मुबारक देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जो अमन चैन की भाषा है वो हम समझें और बनाई जाती है तो इनको वो एक सद्भावना और प्रेम है, वो सब भाईचारे की भावना जो है
मामला सामने आया है अलीगढ़ का, ढाई साल की बच्ची के साथ जिस तरह से बर्बरता की गई है, आपका क्या टेक है इस पर, आपका क्या रिएक्शन होगा और जो दोषी है उनको क्या सजा देना चाहिए? ढाई साल की बच्ची के साथ हादसा हुआ है, जिस तरह जिस बर्बरता से उसको मारा गया, जिस तरह से उसको जो सलूक उसके साथ किया, उससे पूरा देश दुखी है, देश ही नहीं पूरा विश्व दुखी है। लोग विश्वास नहीं कर सकते कि इंसान के रूप में ऐसे हैवान इस धरती पे रहते हैं। और मुझे लगता है कि जब उस बच्ची के माँ बाप पुलिस स्टेशन गए FIR करने, उस वक्त पुलिस वालों ने FIR नहीं लिखी, उन्होंने उनको वापस भेज दिया और कहा जाके दूंगा, वो गलत था। क्योंकि निर्भया के केस के बाद जो नया कानून आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 166A करके एक धारा लाई गई थी कि अगर कोई पुलिस अफसर महिलाओं के बच्चों के प्रति हुए क्राइम में अगर FIR नहीं लिखता है तो उसके ऊपर भी काउंटर FIR किया जा सकता है, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। मैं चाहूँगी वो पुलिस अधिकारी, पुलिस के लोग जिन्होंने FIR नहीं लिखी, अगर वो सही समय पर बच्चे को ढूंढने निकलते तो मुझे लगता है शायद वो बच्ची जिंदा भी मिल सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ 400 गज दूर के किडनैप करके रखी गई थी। तो पुलिस वाले अधिकारियों को डिसमिस किया जाए, कड़ा से कड़े सजा रेपिस को, रेप का तो अभी चार्ज नहीं पता चला है, लेकिन जिन्होंने इस तरह की उसकी हत्या की उनको जो है फांसी की सजा दी जाए। हालांकि दुख इस बात का है कि निर्भया के रेपिस आज तक उनको फांसी देने के बाद भी फांसी का अमल नहीं किया गया। हम रेपिस की मर्सी पिटीशन का ध्यान देते हैं, लेकिन वो बच्चियाँ जिनको इस तरह से मौत की घाट उतार दिया जाता है, उनकी ह्यूमन राइट्स की चिंता हम नहीं करते। मैं चाहूँगी कि कानून तो सख्त है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कानून इस वजह से इस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। तो जरूरी है कि कन्विक्शन रेट 100% हो, अगर कोई रेपिस्ट है, मर्डरर है, तो उसको सजा मिले। ये ना हो कि वो बड़े वकील लगा के और दाव पेच खेल के इतना बड़ा जूम करके निकल जाए, इसी वजह से आज बच्चियाँ इस देश में सेफ नहीं है। कल मुंबई में मोर्चा निकाला गया था और लोगों की ये मांग थी कि दोषियों को जो है वो 30 दिनों के अंदर फांसी होनी चाहिए, इस तरह का कानून जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट की गई कि कानून इस तरह से बनाना चाहिए, तो आप किस तरह से सोचती हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में एक घटना में 3 दिन के अंदर जज ने बैठ के ट्रायल करके 30 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब यही है कि उसको जो है तुरंत मध्य प्रदेश में अगर ऐसा हो सकता है तो बाकी जगह भी किया जाए। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि निर्भया में भी फांसी की सजा हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट, वो जो स्टेजेस में जाता है उस वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। इस वक्त जो देश का कानून है उसमें 3 दिन में फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, अगर पुलिस सारे पेपर्स रिकॉर्ड करके ट्रायल में वो केस आ जाए। लेकिन मैं चाहूँगी कि फांसी होने के बाद जो मर्सी पिटीशन तक का समय है उसको भी 30 दिन में ख़त्म किया जाए, 30 दिन में डिसाइड किया जाए, ताकि जो रेपिस्ट हैं, जो इस तरह की मर्डरर्स हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी सजा सुना सकें। भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में हमने कसाब को भी वकील दिया था, इसलिए बिना वकील के बिना ट्रायल के हमारे यहाँ सजा नहीं हो सकती, उसका फायदा इस तरह के लोग उठाते। सबको मेरी तरफ से और हमारी आने वाली फिल्म बिग बॉस की तरफ से बहुत सारी ईद की शुभकामनाएं। मालिक करे कि आप सब क्लिक करें, साल भर कोई लोग तकलीफ करे। भारत फिल्म रिलीज हुई है, कैसी लगी? बहुत बोरिंग फिल्म सुनना था, भारत पाकिस्तान दोनों साथ में इतनी बोरिंग फिल्म। सलमान भाई मेरे पैसे वापस करो। सुने जी, अलीगढ़ में जो इंसिडेंट हुआ है बच्ची के साथ में, 2.5 साल की बच्ची के साथ, किस तरह से उसे देखते हैं और क्या सजा की मांग आपको? मैं तो समझता हूँ कि कानून मंत्री को, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और हम सबको मिलकर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर साबित हो जाता है कि इस बंदे ने ऐसा कुकर्म किया है तो उसे बाकायदा सरेआम चौराहे पे पूरे मीडिया के सामने, पूरी जनता के सामने वो सजा दी जाए। वैसा कुकर्म किया उसको जैसा उसने किया, जो तकलीफ लोग जो बच्चे को दी है
वही तकलीफ उसको देनी चाहिए और वही मौत लेकिन दोषियों को फांसी नहीं होती है। कल मुंबई में मोर्चा निकाला गया था, ये मांग की गई थी कि 30 दिन के अंदर फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए। आप जिस तरह से देखिए, तीन दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो 3 घंटे के अंदर खड़ा जाए, साबित हो जाए किसी ने ऐसा किया है, तो फांसी दे दो, गोली मार दो, टोटल टोटल लड़के के रख दो, छोड़ दो कुछ करना नहीं, टोटल लड़के छोड़ दो, टिकट लगा दो, देखो ये बंदा देखो इसको और सबके जो भी मरेगा उसको उसका वो हाल देख कर उसका वो हाशिर देख के और कोई भी ऐसा शिवसेना जो है अयोध्या जा रही है। अच्छी बात है, शिव की सेना प्रभु राम के द्वारे जा रही है, अच्छी बात है। शिवसेना तो खैर अभी बहुत कंफर्टेबल होगी, वैसे भी वो राम के द्वारे तो दोस्ती हुई गई, तो शिव राम इस कंपनी का इस एसोसिएशन का नाम होगा शिव राम। इधर सर, सर सुनील सर सामने, सुनील सर सेंटर, सामने सामने, थैंक यू सर, यस थैंक यू, आपके सबकी नेक हसरतें भारत को बहुत और भारत फिल्म को कृपया भारत बना दिखाई। मोदी जी, आई जस्ट वांट टू विश एवरीबॉडी हैप्पी भाई को इनकी बहुत बहुत मुबारक, आप सबको इनकी बहुत बहुत मुबारक, सबको इनकी बहुत बहुत मुबारक, काफ़ी अच्छा पर्व है, काफ़ी अच्छा त्यौहार है, भाईचारा होना चाहिए, इनका संदेश इतना ही और मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ में है। एहसान भाई को पर्टिकुलरली थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस एंड होस्टिंग दिस ग्रैंड इवेंट, सो विश ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ अस अ वेरी हैप्पी ईद एंड ऑल ऑफ अस, दैट्स ऑल ऑफ अस, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स, मैं कहना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ी बात है कि ईद मिलन पार्टी रखी है, हमारे सारे मीडिया और हमारे फ्रेंड सारे आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला और रह रहा हूँ तो दोनों दोस्त खड़े सामने तो साथ में आ जाएंगे और जान में जान आ जाएगी, प्लीज दोनों दोनों अकेले अकेले नहीं, हेलो दोनों दोनों हेलो, तो मेरे दोस्त बता रहे 609 सुपरस्टार मेरे साथ में है और मैं चाहता हूँ कि बहुत तरक्की करें और मैं चाहता हूँ कि आज की जो इवेंट में है और सक्सेसफुल उनका कुछ और फिल्म मिल जाए, मैं प्रॉब्लम दुआ करता हूँ और आप सब लोगों के लिए हमेशा मैं तारीफ दिखाई आप सब लोगों की हमेशा मीडिया रहती है मेरे साथ में और मुंडे जी और हमारे दोस्त सब लोग साथ में रहते हैं तो हमेशा आपका शुक्रगुजार करते हैं हम लोग, इस तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा, हम आपके साथ में आते रहेंगे। मैं स्टार नहीं हूँ यार, आई एम एन एक्टर एंड आई वांट टू रिमेन एन एक्टर, बट ये मेरे बड़े भाई हैं तो तारीफ में दो शब्द कह देते हैं, अच्छा लगता है। पार्टी में हमने भोजन खाना लाइक मटन चिकन बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी देर में हम लोग इंडिया को हमारा इंडिया जीतने वाला है उसका जश्न हम यहाँ मनाने वाले हैं, तो सबको देखिए बहुत बहुत मुबारक।
मुबारक मौका है और इस मौके पर दो सुपर स्टार के साथ में है और दुआ कर दी है कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा अगर भारत हार गया सलमान भाई भारत हार गया इंडिया जीतेगा भारत फिल्म बनाएगा भैया मत बना lots of cup to all of us. Thank you very much.